फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और फ्रेंड्स, अभी रात का टाइम हो रहा है, अराउंड 11 बजे का टाइम है। हमारा सोने का रूटीन थोड़ा सा ऐसा है क्योंकि जो मेरे हस्बैंड होते हैं काफी लेट आते हैं, तो फिर मतलब सब उठे ही रहते हैं। तो मैं आपको आज थोड़ा सा अपना जो हमारा रात का रूटीन है ना, स्पेशली जो सैटरडे नाइट का है वो, क्योंकि ना मतलब अलग हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हर दिन तो सेम रूटीन नहीं होता। तो आज का मैं दिखा देती हूँ क्या चल रहा है। अभी मैं अभी यहाँ लेके चलने वाली हूँ पानी। हम पानी गर्म करके रखते हैं थोड़ा सा। इधर दीदी हैं, ये हैं हमारी 3 बॉटल्स। अभी दूध का काम चल रहा है, जैसे हैनी का दूध होना है अभी फैमिली मेम्बर्स का, तो वो सब चीज़ चल रही है। और यहाँ ये 3 रखी हुई हैं बॉटल्स। ये वाली बॉटल हमारे रूम में जाने वाली है, ये दीदी के रूम में जाने वाली है, और ये मम्मी जी के रूम में जाने वाली है, क्योंकि इनके अंदर हल्का गर्म पानी रखते हैं पीने के, क्योंकि वही है रात को पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वही ठंडा, तो इतना ठंडा रहता है, पिया नहीं जाता, तो वो पानी पियेंगे। और रूम में जाएगी पानी, कोई बात नहीं। तो वैसे भी मम्मी जी कम ही पीते हैं, थोड़ा बहुत कम भी चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं रूम में। हाँ सुनो, ये मम्मी जी के रूम में रख देना जरा। और रात का काम हो जाता है, गैस जरूर बंद करनी है, वही कर देती हूँ यहाँ से। और जो सैंडी है दीदी के रूम में, उसको भी मैं आवाज लगाऊंगी अभी। फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ अभी। और सैंडी इधर दीदी के रूम में। सैंडी आ जाओ, बाबू सोएंगे। हम चलते हैं अपने रूम में। हेलो गाइस, क्या बोलोगे भैया? हेलो गाइस। अरे क्या हो गया आपको? पिंपल अभी से। सैंडी चलो सुसु कर लो। की बालों के बारे में क्या बता रही? फैशन स्टाइल बनाया है। फैशन स्टाइल बनाया, देख लो। मतलब वही है, मैं क्या सिंपल ही रखती हूँ, लेकिन मैंने बाल खोल लिए ना, तो कह रहे फैशन स्टाइल बनाया है। निन्नी आई है ना, सोएंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, मैं तो वीडियो में ही सो गई। एक्चुअली क्या है, मैं ये चिरमट काटना, बहुत कहते हैं लोग ये मत काटना वो मत काटना, क्योंकि सबको पता है ना कि काट दिए जाते हैं। इतने वीडियो पे भी पता है, लोग कहते हैं कि लंबी वीडियो होती है। अभी मम्मी अपने पालों को कुछ कुछ कर ली थी। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है ना, जैसा आप जो मैंने लास्ट की वीडियो पोस्ट की थी, तो उसमें आप लोगों ने पूछा था कुछ हेयर केयर के बारे में बताई, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है? वो मैं बाद में पोस्ट करूंगी। लेकिन भैया, जैसे मैं अभी ऑयल डालने वाली थी बालों में, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दी हूँ क्या यूज़ कर रही हूँ। जैसे आपको पता है, बालों के लिए अनियन जूस बहुत ही अच्छा रहता है, स्पेशली अगर विंटर्स की बात की जाए, तो बालों में डैंड्रफ होने की दिक्कत मोस्टली सबको फेस करनी पड़ती है। तो वही है, मैं आपको अगर याद हो, मैंने एक वीडियो में पहले ये भी दिखाया था कि कुछ प्रोडक्ट्स मुझे भेजे गए थे, तो मैं इनको ट्राई करूंगी, फिर आपको उसका रिव्यू देती हूँ। तो मैंने ना ये जो अनियन जूस था फ्रेंड्स, ये जो अनियन जूस है ना, ऑरिगेन्स अनियन ऑयल, ये वाला मैं यूज कर रही हूँ, तो मुझे ठीक लगा है। क्योंकि जैसे विंटर मेरे को हो जाती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम, अगर अच्छे से हेयर केयर ना करो, तो मैंने ज्यादा कुछ स्पेशल केयर नहीं किया है, बस इसको लगाया है और अच्छा रहा है। तो अगर आप अनियन जूस लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो, या फिर आप ये जो ऑयल है ना, इसको भी आप लगा सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है? और बस अभी मेरा क्या रूटीन रहेगा, क्योंकि कल को मुझे शैम्पू करना है, तो मैं एक दिन पहले ऑयल डाल लेती हूँ। मतलब अभी टाइम है तो डाल लेती हूँ, क्योंकि ये लोग उठे हुए, वरना ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, तो शैम्पू करने से 1 घंटा पहले भी मैं ऑयल लगा लेती हूँ। ऑयल जरूर लगाती हूँ शैम्पू करने से पहले। एंड हाँ, हेयर मास्क की बात रही, तो वो मैं थोड़ी सी आलसी टाइप हूँ, मैं महीने में सिर्फ एक ही बार करती हूँ हेयर मास्क। वैसे तो मैं सिर्फ ऑयल लगाती हूँ, शैम्पू कर लेती हूँ, उसके बाद कंडीशनर, ठीक है? हेयर मास्क सिर्फ महीने में मैं एक ही बार करती हूँ। बस यही है मेरा हेयर केयर रूटीन। और बस अब हम सोने की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप लगा दो ऑयल, मतलब मैं मजाक में बोल रही थी, ऑब्वियसली मुझे ही करना होता है ये। लेकिन फिर वही है, वो थोड़ा सा हाथ मार के गए थे सर में कि लो चलो बस हो गई, अपने आप कर लो। लेकिन हाँ, इस बात को लेकर सैंडी बहुत सीरियस हो गया था, कह रहा था कोई बात नहीं, मम्मी पापा नहीं करेंगे, मैं करूँगा, मैं अभी ऑयल लगा देता हूँ, तो वही चीज़ कर रहा था वो। लेकिन वही है, मैंने तो नहीं करवाया था ज़्यादा, थोड़ा सा वही है, उसका मन कर रहा था, फिर मैंने बाद में ऑयल लगा लिया था। हमारे व्यूअर्स को बाय बोल दो। गुड नाइट। बाय गाइस, गुड नाइट। और मम्मी मुझे पिलो जल्दी दे देना। और तो पापा की तरफ रखा हुआ है, पापा पिलो दो। ऐसे तो फ्रेंड्स, अभी हम सोने जा रहे हैं, ठीक है? हम कल सुबह में मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? हाँ दीदी।
और फ्रेंड्स आज है संडे और ये दोपहर का टाइम है। दीदी यहाँ पर जो हमारे बड़े भैया जी है ना, उनके लिए मैक्रोनी बना रही थी। कई बार उनका मन हो जाता है, ये जो बच्चों को चीज़ें बहुत पसंद होती है ना, मैक्रोनी पास्ता वगैरह उनको भी अच्छे लगते हैं, तो कभी कभी वो बनवा लेते हैं। तो दीदी उनके लिए बना रही थी। और यहाँ पर जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, मलाई इकट्ठा करके उसमें से निकालते हैं घी। हम ये कुछ ही टाइम से कर रहे हैं प्रोसीजर, इस बार हम तीसरी बार निकालेंगे शायद घी, हाँ, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं निकाला है, जो दीदी हैं वही कर देती हैं। तो बस दीदी उसी के वो कर रही थी तैयारी, जो मलाई थी ना उसको गर्म करके उसमें एक रात पहले जामुन लगा देते हैं, तो अगले दिन उसको इस तरह से कर रही हैं दीदी, जो ब्लेंडर है उसकी हेल्प से। मुझे नहीं निकालना आता कि मैं आज ही देख रही हूँ, मेरे सामने फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मैं कह रही थी कि दीदी मैं भी देखूँगी आप किस तरह से करते हो, कैसे निकालते हो। तो वही सब चल रहा था। तो अभी तो किचन में खड़े हुए थे, लेकिन वही है, इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दीदी बोल रही थी कि चलो कहीं बैठ के कर लेते हैं, तो हम फिर इसको रूम में ले गए थे। और फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर रूम में आ चुके हैं जैसा मैंने बोला, और इसमें ना बीच में दीदी बर्फ़ वाला पानी, बिल्कुल ठंडा पानी भी ऐड कर रही थी कि उसके हेल्प से आ जाता है जल्दी घी। और बस वही सब चल रहा था। और हाँ, मैं भी यहाँ पर थोड़ी सी देर करके देख रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली इसको काफ़ी देर करना पड़ता है, तो मैंने कहा दीदी थोड़ा सा मैं भी करके देखती हूँ, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम में कर रही थी। फिर वही है, उसमें टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा शाम को हम सोच रहे थे बनाएंगे घिया की सब्ज़ी, तो मैंने कहा चलो इतने इसको भी मैं कर लेती हूँ। तो बस दोनों साथ में बैठकर मैं अपना काम कर रही थी, दीदी अपना कर रही थी, और हो रही थी बहुत सारी बातें जैसा कि होता है हमेशा। तो बस यही सब चल रहा है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और रही थी, जैसे मैंने सब्ज़ी तो काट ली थी, लेकिन फिर मेरे को याद आया, एक बार मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था आलू पराठा का आटा लाए थे पापा जी, तो एकदम से मन हुआ कि चलो आलू के पराठे बना लेते हैं, तो ये सब्ज़ी काट के रख दी थी कि सुबह में काम आ जाएगी, हमने फिर इसको बनाया नहीं था। हाँ तो फ्रेंड्स अभी डिनर की तैयारी हो रही है, डिनर में क्या बनने वाला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको दिखाया था ना, एक बार हमने परचेज किया था आलू पराठा, तो फिर आज हम इसके आलू के पराठे ही बनाने वाले हैं, साथ में हो जाएगी पुदीने की चटनी, और हम भी मिक्स लेंगे चाय, और जो मेल होंगे वो ले लेंगे दूध, जैसे भी लेना है। तो हम इसको बनाने वाले हैं आज, इसको किस तरह से बनाना है देखते हैं कितना टेस्टी कैसा लगता है, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। यहाँ पर जैसे जो बर्तन है ना, उसमें पानी गर्म हो रहा है, मैं मतलब थोड़ा आटे को गूंदने के लिए कर रही हूँ। और यहाँ पर जो ये पैकेट खोल के दिखाती हूँ, जो आलू की पिट्ठी बननी है ना, उसके लिए भी इसके अंदर ही पैकेट्स हैं, बाहर इस पर मेंशन था कि आपको किस तरह से करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ खोल के किस तरह से निकला था। तो ये जो पैकेट निकला है ना, जो स्मॉल वाला है, इससे बनानी थी आलू की पिट्ठी, ऐसे दो थे, ऑब्वियसली शायद उस लिए होंगे, जैसे कि किसी को एक साथ नहीं यूज़ करना आटा। और ये जो आटा था ना, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें मिक्स थी, जैसे हो जाता है ना, मतलब जैसे आपकी अजवाइन थी, हरा धनिया, कुछ इस टाइप की चीज़ें ना इसमें मिक्स थी, बिल्कुल प्लेन आटा नहीं था, इसमें हमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और यहाँ पर बस वो जो आटा है ना, मैंने ले लिया है और उसको गूंदने की तैयारी चल रही है। और जैसा जैसा लिखा हुआ था ना पैकेट पे कि इतना ml आपको जो पानी है वो लेना है, वैसे मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रही थी, मैं बस अपने हिसाब से देख रही थी कि मैंने आराम आराम से पानी को ऐड कर रही थी, क्योंकि जो आटा था ना हमारा बिल्कुल प्लेन आटे जैसा नहीं लग रहा था, कुछ इसमें चिकनाहट लग रही थी, जैसे होता है ना आटे में मोमन मिला देते हैं जब कभी हमको पूरियां वगैरह बनानी होती हैं, तो कुछ उस टाइप का लग रहा था ये। तो मैं इसमें बहुत आराम से ही पानी मिक्स करती, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाए ठीक से गूंदने के लिए। और जो वो आटा है, आटा तो गूंद दिया था, उसको मैं भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। यहाँ पर जैसे कि आलू की पिट्ठी बननी है ना, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अब इसमें भी मैं सेम ऐसे ही कर रही थी, धीरे धीरे से पानी ऐड कर रही थी। और इसको बनाते वक्त पता है क्या, जो इसमें बहुत सारे स्पाइसेस ऐड थे, जैसे कि कभी आप समोसे खाते, समोसे की पिट्ठी में आता है ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर, ही उस टाइप की लग रही थी, मसालेदार लग रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि आलू की पिट्ठी के पराठे बन रहे हैं। एंड यस, यहाँ पर ये क्या था, मैंने दीदी को बोलती कि दीदी इसको कितना भी मैं कर रही हूँ इकट्ठा सा नहीं हो रही है पिट्ठी, पता नहीं इसमें क्या क्या इन्होंने मिलाया हुआ है। तो दीदी वही हाथ से लेके दीदी चेक कर रही थी कि कैसा हो रहा है ये, बट एट लास्ट काफ़ी उसके बाद ही थोड़ा सी इकट्ठी हुई, देखिए बल्कि अब इन्हें अलग अलग ही जा रहा है। तो इस टाइप से ही बनी थी ये। तो बस यहाँ पर ना मैंने इसको भी रख दिया है, और जो हमारे दोनों है ना, मतलब आटा और पिट्ठी, उसको मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो इनको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देना था, ये आटा था और ये थी आलू की पिट्ठी। जो आटा था ना उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया था, क्योंकि उस पर मेंशन था। और यहाँ मैं दोबारा से रूम में आ गई थी देखने के लिए कि कितना हुआ है, जो घी निकला है कैसा है। हाँ तो फ्रेंड्स जैसा कि दीदी निकाल रही थी ना घी, तो उसका मैक्सिमम प्रोसीजर हो गया, ये अलग होना शुरू हो गया है ये।
फ्रेंड्स ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ थोड़ा बैक कैमरा से दिखाती हूँ अलग से, पहले इसमें सिर्फ झाग झाग से उठ रहे थे तो मुझे नहीं पता चल रहा था, तो दीदी ने बताया थोड़ा इस टाइप का हो जाता है, तो इसको निकाल के रख रहे थे और वो जो कढ़ाई रखी हुई है ना गैस पर उसमें उसको रख दिया था, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उसको फिर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद निकलता है घी। मैं तो वही सोचती, मैंने कहा दीदी कैसे किस तरह से, फिर कहते हैं इसको गर्म कर लेना, तो अभी वो चीज़ चल रही है। और यहाँ पर मैं साथ साथ आलू के पराठे भी बना रही हूँ। आलू के पराठे के साथ हमने बनाई थी चाय पहले, क्योंकि जैसे कि जो मम्मी जी हैं उनको दिया था आज पहले खाना पापा जी को नहीं, क्योंकि पापा जी कहीं गए हुए थे, काम से आए थे लेट, तो उन्होंने उस टाइम पर खाया था तो फिर उनको भी भूख नहीं थी, तो फिर मम्मी जी के लिए बन रहा है यहाँ पर खाना भी। और फ्रेंड्स ये देखिए जो मैं बोल रही थी ना कि उसको गर्म कर लेंगे, तो घी कुछ इस तरह से बन रहा था। और हाँ, ये जो आलू के पराठा का जो आटा है ना, ये जो हम बना रहे हैं आज, मैं इसके बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये पराठे अच्छे लग रहे थे, टेस्टी लगे थे, लेकिन अगर बात की जाए वो जो हम वैसे हम बनाते हैं ना अपने आलू के पराठे, आलू की स्टफिंग करते हैं, वो वाला फ्लेवर नहीं आ रहा था। इसकी जो स्टफिंग थी ऐसा लग रहा था कि कुछ पराठे, मतलब जो पराठे बन रहे हैं कुछ मसाला भर दिया है, जैसे आपकी हो जाती है ना मसाला कचौड़ी हो जाती है जो बाहर मिलती है मार्केट में, उस टाइप का फ्लेवर आ रहा था। आलू पराठा नहीं लग रहे थे, वैसे टेस्टी थे, बट हाँ अगर कहें आलू पराठा तो वो नहीं थे ये, ठीक है अच्छे थे पर। और बस हमारा खाना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, ये प्लेट मम्मी जी के लगी है, मम्मी जी ने जो पुदीने की चटनी थी उसको नहीं लेती हैं, कम लेती हैं, तो मम्मी जी को अचार के साथ सर्व किया था और थी चाय, ऑब्वियसली चाय ज़्यादा चाहिए इसके साथ पराठों के साथ, ये हम सब फीमेल्स का होता है कि पराठों के साथ तो चाय चल ही जाती है। और यहाँ पर ये सैंडी को एक एक्टिविटी मिली थी, जैसे कि क्रिसमस आ रहा है तो छोटे बच्चों को मिलता है, बच्चों को एक्टिविटी मिलती है लेकिन करते पेरेंट्स ही हैं, है ना, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। मतलब इसको डेकोरेट करना था कलर्स करके, तो डेकोरेट कर रही थी मैं, जो पहले अपने हिसाब से जैसे करना था वो कर रही थी, लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है जब साथ में आप किसी और के साथ मिलते हो तो आपको कुछ और ही सीखने को मिलता है, आपके आइडियाज़ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे के भी इंटरेक्ट करते हैं, और बाद में जो कुछ निकलता है ना वो कुछ अच्छा ही निकलता है। तो मैंने अपने दिमाग से बस ये किया था कि ठीक है इसको इस तरह से कर देती हूँ डेकोरेट, लेकिन जैसे वही है दीदी भी आई थी, पता है हमारे ये है बच्चों की कोई भी एक्टिविटी होती है ना तो उसको हम बड़े अच्छे मतलब इंटरेस्ट लेते हैं दोनों ही, ऐसा नहीं है कि सैंडी की है तो मैं इंटरेस्ट लूँगी, सिया की है तो दीदी, नहीं हमको दोनों को इंटरेस्ट आता है बच्चों के ऐसे काम करने में। तो फिर यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे कर रही थी, लेकिन फिर दीदी ने देखा फिर बोला कि थोड़ा सा कुछ ग्रीन कलर का भी हो जाए, मतलब कुछ होना चाहिए और अच्छा लगेगा। तो फिर ना दीदी ने आइडिया दिया था कि जो ग्रीन कलर का पेपर है उससे इस तरह से लीव्स बना के लगा दो स्टार के पीछे तो और अच्छा सा लगेगा, तो मैं बस वही कर रही थी। और हाँ, ये जो डेकोरेशन का जो सामान होता है ना ये मोस्टली घर पर रखा होता है, क्योंकि वही है स्कूल में बच्चे होते हैं ना, मतलब जिसकी फैमिली में बच्चे हैं वो अंदाज़ा लगा ही लेते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है स्कूल से, कभी कुछ डेकोरेट करना है, कभी कुछ बना के लाना है, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हम घर में रखते हैं। तो ये जो पेपर था रखा हुआ था तो इसको देख के भी आइडिया लग गया था कि चलो भाई इसको लगा लेते हैं। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि पहले आप खुद कंपेयर कीजिएगा जब मैं सिंपल कर रही थी तब कैसा लग रहा था और अब इनको लीव्स को लगा के कैसा लग रहा है ना। वहाँ पर मैंने दो लीव्स लगा दी हैं, तीनों को एक साथ इसलिए नहीं काटा क्योंकि पेपर के कॉर्नर में बना हुआ था ये, तो सेम साइज़ की लीव्स नहीं फिट बैठती, तो इसलिए अलग अलग मतलब देख के कहाँ कैसे लगानी है वो चीज़ें चल रही हैं अभी यहाँ पर। तो ये जो लीफ थी ना इस तरह से स्टार को हटा के थोड़ा सा मैंने फिर उसके नीचे इसको पेस्ट कर दिया था। और अभी आप देखिए जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है ना जहाँ पर लीव्स लगी है वो कितना सुंदर लग रहा है ना। और फ्रेंड्स हाँ, यहाँ पर ये जो मैंने इसमें की हुई है ना 3D जो ये स्पार्कल वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा उसमें लम्ब्स निकल रहे थे, अच्छे से फिनिशिंग नहीं आई थी इसका मुझे थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन या तो रखी हुई उसमें थोड़ा सा हो गया था, कुछ दिक्कत आ रही थी, मतलब इक्वल नहीं निकल रहा था उसमें से, तो वो सफाई नहीं आई है वो मुझे दिख रहा है, लेकिन हाँ इसका ऊपर वाला पोर्शन मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था। फ्रेंड्स अभी रात का टाइम हो रहा है और सैंडी की एक्टिविटी अभी मैंने कंप्लीट की है, अब आप देखो आपकी एक्टिविटी आपको कैसी लग रही है, अभी इसको ज़्यादा टच मत करना भी गीला है, कैसा लगा टेन 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 टेन, मतलब इसके इतने पता है इसकी ऐसी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होती, नहीं पीछे पड़ा रहता है क्योंकि इनके टीचर्स इनको सिखा के भेजती है ना मम्मा के पीछे पड़ जाना, है ना। लेकिन इट्स व्हाई मैं ऐसा नहीं बोला, नहीं बोला था अच्छा। लेकिन फिर भी मुझे ज्यादा पसंद है एक्टिव, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये बनी है सैंडी की, गिर गई डिंग डोंग बैं, अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि मैंने लिखा हुआ है कि शहनाई बजेगी घर में, तो एक्चुअली क्या है
आपको पता है, आप समझ गए होंगे हमारे फैमिली में सबकी शादी हो चुकी थी, फिर कौन बच गया है ना। तो एक्चुअली मेरा छोटा भाई है, तो उसकी शादी नहीं हुई है, बस वो बचा हुआ है हमारी फैमिली में, तो उसकी शादी तय हो गई है। और किसको? जो छोटे मामा जी हैं। और जैसे होता है ना, जो भी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि मतलब देखना दिखाना, कुंडली वगैरह मिलाना, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो फिक्स हो चुका है रिश्ता। और पता है क्या, हमारी जिस एज में शादी हो गई थी ना, उसकी उससे ज्यादा हो गई है, तो सबको ये था कि इसकी कब करोगे शादी, कब करोगे। तो फाइनली उसकी भी शादी तय हो चुकी है। एंड यस, जैसे कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो उसकी शादी का मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि किस तरह से क्या होता है हमारे यहाँ पर। और मतलब अभी तो नहीं, उसकी शादी फरवरी में निकली है, तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। और बस फ्रेंड्स, यही थी गुड न्यूज, और बस यही ब्लॉग का एंड कर देते हैं, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सैंडी, आपको बाय करना है, बाय। यहाँ पे आगे बोलो बाय बाय। ऐसे बाय बोलोगे? बाय बाय ऐसे? आप दिख ही नहीं रहे। ओके बाय। मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं मुझे, जरा मैं होके आती हूँ, देखती हूँ।